Good morning and welcome to my channel. आज का दिन ना बहुत ही खास है, स्पेशली बंगालीज के लिए, क्योंकि आज है पहला वैशाख। पहला वैशाख मतलब है कि बंगालीज का न्यू ईयर। आज के दिन बहुत कुछ स्पेशल चीजें बनता है घर पे, मिठाई के डब्बों से घर भर जाता है। एंड आज का दिन मेनली जो होता है ना कि जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं उन लोगों का जितना भी उधारी का जो कॉपी होता है ना वो बंद हो जाता है और नया कॉपी वो लोग रीओपन करते हैं आज से। एंड उन लोगों की तरफ से जितने भी कस्टमर्स हैं उन लोगों के घर पे इन्विटेशन जाता है, वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आज नया नया दुकान ओपन होता है एंड आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ खरीदते भी हैं। आज सबसे पहले उठ के जो सब एक काम करते हैं वो है सब मंदिर जाते हैं नहा धो के, जो कि मैं आज नहीं जा पाई हूँ कुछ रीजंस के वजह से। हर साल मैं भी जाती हूँ, मेरे घर से मैं, मेरी दीदी या तो मेरे पीपी सब मिलके हम लोग जाते हैं। सो इस बार मैं नहीं जा पाई तो मैंने सोचा कि इसके बाद नहा के मैं घर में ही थोड़ा सा पूजा करूंगी। एंड उसके बाद आज घर में कुछ स्पेशल खाना बनता है, मतलब वो एक्चुअली रिचुअल्स होता है, कुछ चीजें मैंडेटरी है जो बनता है घर पे आज के दिन। तो बंगाली में आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि केमन आछेन आपनारा सबाई, आमाके निश्चय कमेंट सेक्शन में जानाबेन जे आपनारा सबाई केमन आछेन। और आज का दिन वैसे तो बहुत खास है ही और मेरे लिए भी बहुत खास है क्योंकि मेरा भी कुछ प्लान्स है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। आप ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, होप्स आप लोग को ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। सो मेरे साथ बने रहिए एंड हैप्पी पहला वैशाख टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा डस्टिंग खत्म करके, घर को थोड़ा सा साफ करके उसके बाद मैं देखूंगी, मैं भी जाऊंगी आज ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखती हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में स्पेशल मेन्यू क्या है एंड उसके बाद लंच में भी क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आप लोग जरूर बताना कि व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है एंड इस बार डेफिनेटली बताइएगा गाइज। एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए क्योंकि जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे थोड़ा सा मतलब व्लॉग को मैं टाइम टू टाइम अपलोड नहीं कर पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम टू टाइम व्लॉग को अपलोड करूँ। सो मैं कोशिश करूंगी, बाकी आप लोग मेरे साथ रहिए तो मैं जरूर आगे बढ़ पाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में पापा लेके आए हैं आज कचौड़ी और आलू का सब्जी। नहा के पूजा भी कर लिया है मैंने और अभी घर में बहुत ज्यादा चहल पहल हो रहा है, सब आपस में बात कर रहे हैं। सो अभी मैं लंच करूंगी एंड लंच में आज क्या क्या मेन्यू है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लंच पे बना है घर में आज शुक्तो, इसे शुक्तो बोलते हैं, पाट शाक बोलते हैं इसे। ये थोड़ा सा सूप टाइप का होता है, ग्रीन कलर थे, आलू भुजिया एंड आम का चटनी। गर्मियों के मौसम में आम का चटनी तो मज़ा ही अलग होता है। इसके अलावा बना है चिकन और मेरा फेवरेट दही और खीरा। हे एवरीवन, सो अभी ना सडनली हम लोग का प्लान हो गया है कि मैं मौसा जी, दीदी, जीजू और उनके बच्चे छोटे से मिष्टू, हम सब आए हैं एक होटल में, ईशानी नाम है होटल का। एंड ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन बहुत प्यारा लगा मुझे, एकदम आपका बाईपास में है, बाईपास के मतलब बाईपास में ही है ये होटल। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा मैं व्यू दिखाती हूँ पीछे से, ये देखिए। ये पोर्शन इन लोगों का ओपन नहीं हुआ है क्योंकि कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना एसी है ना कुछ है, नया बन रहा है वो, जो कि नया नया कलर होता है ना उसका जो स्मेल होता है वही आ रहा है मुझे। सो मैं इससे अभी बाहर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे। मैं आके झूले में बैठ गई सीधा और मुझे झूला बहुत पसंद है, बचपन में बहुत बैठती थी मैं, जब मैं पार्क में जाती थी मम्मी पापा के साथ
तो बहुत बार मतलब ये मेरा फेवरेट है एकदम झूला। सो अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया मैंने, सो झूले में बैठना थोड़ा सा डर ही लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बचपन का याद आ गया मुझे। सो और ज़्यादा बैठूंगी नहीं, अभी मैं चलती हूँ जहाँ पे सब लोग बैठे हैं वहीं पे चलते हैं। सो लेट्स गो। बहुत सुकून है इस जगह पे, बहुत शांति है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसके पहले मुझे पता नहीं था कि मतलब ये जो होटल है ना इसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो रेस्टोरेंट के बारे में। सो फर्स्ट टाइम आई हूँ, अब यहाँ का खाना भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज खाया है, उसके बाद आपका फिश फिंगर, चिकन पकौड़ा, लेकिन फूड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। बट हम लोगों ने उनको कहा कि जल्द से जल्द शेफ़ को चेंज कीजिए, क्योंकि लोकेशन जो है ना, जगह बहुत अच्छा है लेकिन फूड क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क। सो एनीवेज, बाकी यहाँ का जो मतलब एम्बियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर आइए। पीछे सब खड़े हैं, सभी हम लोग जा रहे हैं घर। आज व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। लव यू ऑल, टेक केयर।